हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा नाश्ता लेकर के आए हैं फ्रेंड्स जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और चुटकियों में बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर रेसिपी बनाते हैं। यहाँ पर एक बाउल लिए हैं और एक कटोरी सूजी लिए हैं। आप चाहे तो किसी भी चीज़ से नाप करके ले सकते हैं। यहाँ पर हम आधा कटोरी दही लिए हैं, सूजी से आधा हम दही लिए हैं और दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और आधा कटोरी पानी डाल करके और इसे अच्छे से मिलाएंगे। दही और सूजी अच्छे से मिल गए, अब ढक करके रख देंगे साइड में। और तब तक हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर कुछ सब्जी काट लेंगे। सब्जी में यहाँ पर हम शिमला मिर्च लिए हैं, बहुत बड़ा शिमला मिर्च है इसलिए हम आधा शिमला मिर्ची डालेंगे। इस तरह से बीच का पार्ट निकाल लेंगे और इसे बहुत ही बारीक बारीक काट लेंगे। शिमला मिर्च यहाँ पर कट गया फ्रेंड्स। अब हम गाजर काट लेते हैं। गाजर को भी बहुत छोटा छोटा काट लेंगे ताकि जैसे ही हम नाश्ता बनाएं तो अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर हम टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी छोटा छोटा काट लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। नाश्ते में सब्जी अपने हिसाब से डालिएगा फ्रेंड्स, आपको जो पसंद है आप वही डालिएगा। ऐसा नहीं कि जो हम डाले हैं वही डालेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मिर्ची भी काट लिए हैं, करी पत्ता काट लिए हैं और धनिया पत्ता काट लिए हैं। सारा सब्जी कट गया है फ्रेंड्स। हम यहाँ पर ये सब सब्जी लिए हैं फ्रेंड्स, आपको जो पसंद है वही डालिएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सूजी भी फूल गया है और बहुत गाढ़ा भी हो गया है। यहाँ पर नमक नहीं डाले थे, नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। और सब्जी जो है, सब्जी सब हम डाल लेंगे। यहाँ पर पहले मिर्च डाल रहे हैं, करी पत्ता डाल रहे हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। धनिया पत्ती डाल रहे हैं और यहाँ पर देखिए टमाटर डाल रहे हैं, यहाँ पर गाजर डाल रहे हैं फ्रेंड्स, और लास्ट में हम शिमला मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। आप अपने हिसाब से सब्जी डालिएगा फ्रेंड्स, आपको जो पसंद हो आप वही डालिएगा। यहाँ पर सूजी में सब्जी अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा गाढ़ा लग रहा है इसलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आधा कटोरी पानी लिए हैं और थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देंगे, नहीं तो पतला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे, इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इनो लिए हैं एक पैकेट। इनो डाल करके थोड़ा सा इनो के ऊपर हम पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इनो डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, हल्का सा मिला लेना है। और जब नाश्ता बनाने लगे तभी इनो डालिएगा। यहाँ पर हम आज ग्लास में बना रहे हैं नाश्ता। देखिए यहाँ पर तीन ग्लास है, थोड़ा थोड़ा करके तेल डाल रहे हैं और इसे अच्छे से ग्रीस कर रहे हैं। पूरा ग्लास के ऊपर अच्छे से तेल को लगा देंगे। तेल लगाने से ग्लास से नाश्ता पकने के बाद अच्छे से निकल जाएगा, इसीलिए हम तेल लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए बैटर को ग्लास में डाल दिए और हल्का हल्का सा इस तरह से ठोक देंगे ताकि नाश्ता के अंदर जो भी हवा रहे वो निकल जाए। अब यहाँ पर हम इसे पकाते हैं फ्रेंड्स। पकाने के लिए यहाँ पर कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे, पानी गर्म हो गया है। और आप चाहे तो इस तरह जाली वाला प्लेट रख करके उसके ऊपर रखिए नाश्ता को, या तो फिर पानी में भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ ढक्कन अच्छे से बैठना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर 15 मिनट के लिए हम पका लेंगे। देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता फूल के कैसे ग्लास भर गया, आधा ग्लास डाले थे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम टूथपिक से ऐसे चुभा करके देख रहे हैं, देखिए एकदम नहीं लग रहा है टूथपिक में। इसका मतलब है नाश्ता अच्छे से पक गया है। अब इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद फ्रेंड्स, ग्लास से निकाल लिए थे और यहाँ पर देखिए कट कर रहे हैं। बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार होता है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं और अगर तड़का लगाना चाहते हैं तो तड़का भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा तड़का लगाएंगे,
तड़का लगने से इसका स्वाद और भी अच्छा आता है और बहुत ही सोंधापन आता है। इसलिए यहाँ पर एक कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिए थे। कढ़ाई गरम हो गया, 1 चम्मच के करीब तेल डाले हैं, तेल भी गरम हो गया। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों और 2 हरी मिर्च काट करके डाल रहे हैं, थोड़ा सा करी पत्ता डाल रहे हैं और इसे अच्छे से चटकने देंगे। यहाँ पर चटक गया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब तिल डाले हैं और इसे भी अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पर देखिए तिल अच्छे से पक गया है फ्रेंड्स। अब हम एक एक करके नाश्ता को इसमें डाल देंगे। आजकल के बच्चे फ्रेंड्स सब्जी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से नाश्ता बना करके बच्चे को जरूर खिलाएं, ताकि हेल्दी भी है नाश्ता और टेस्टी भी है। बच्चे बड़े आराम से खा लेंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए इस तरह से 1 मिनट के लिए इसे उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ तिल अच्छे से लग जाए, सरसों सब जो छौंका में डाले थे वो अच्छे से लग जाए। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा नाश्ता बन करके तैयार है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ घंटी भी दबा दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जैसे डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का रेसिपी कैसा लगा। इस नाश्ते को फ्रेंड्स आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हैं। बच्चे को तो ज़रूर बना के खिलाइए फ्रेंड्स। धन्यवाद।